कहाँ हम कहाँ तुम। डोंट वरी वाइके, ड्राइवर चेक लेके पहुंच जाए। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम हॉस्पिटल का पुराना विंग अपने प्लान के हिसाब से ठीक करवा लो। मामा क्या कहेंगे? उन्होंने पहले से सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया है। और रोहित, उसे तो आजकल किसी बात का होश नहीं है। फाइनली मुझे वो सब कुछ मिल गया जिसकी मैं हकदार हूं। निशी मैम, आपसे कोई पेशेंट अर्जेंटली मिलने आया है। विम्मी, मैं पेशेंट्स को घर पे नहीं मिलती, उनसे कहो हॉस्पिटल आ जाए। मैम, सिक्योरिटी ने कहा लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं। मिल लीजिए ना एक बार। निशी मैम, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम लोगों के ऊपर, हम पर रहम कीजिए। उनका इकलौता बेटा मर जाए, डॉक्टर रोहित ही उसे बचा सकते हैं। देखिए देखिए, रोहित सिप्पी पहले अपने हॉस्पिटल में फ्री के सर्जरीज करते थे, लेकिन अब हमने सिप्पी हॉस्पिटल में किसी भी तरह की फ्री सर्जरीज करना बंद कर दिया है। तो आप अपने बेटे को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, ओके? मैडम जी, भगवान के लिए कुछ करिए ना। डॉक्टर रोहित जी की पत्नी सोनाक्षी जी, उन्होंने वादा किया था कि हमारे साहिल का ऑपरेशन डॉक्टर रोहित ही करेंगे। साहिल सोनाक्षी जी का बहुत बड़ा फैन है, वो अक्सर उनके साथ मोबाइल पे चैट किया करता था। लेकिन हम इतनी दूर से मुंबई इसी ऑपरेशन के लिए आए, प्लीज हमें इस तरह निराश करके वापस मत। देखिए देखिए देखिए, लिसन टू मी, हमारा हॉस्पिटल खैराती हॉस्पिटल नहीं, और वैसे भी रोहित यहाँ पर नहीं, ओके? अगर आज के बाद ऐसे लोग सिप्पी मेंशन में आए ना, तो तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता है। Is that clear? Yes, ma'am. मैडम जी, मैडम जी, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। एक बार हमें डॉक्टर रोहित जी से तो मिलवा दीजिए। देखिए अंकल जी, हमें खुद नहीं पता कि डॉक्टर रोहित कहाँ है। प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। आरवि, एक बुजुर्ग अंकल आंटी बाहर आ रहे हैं, तुझे पता है क्या करना है? रोहित और सोनाक्षी, कभी ये लोग समझेंगे कि ये दोनों एक नहीं है? वीना भाभी, नरेन भाई, कौन थे वो लोग? निशी, एक अमीर बिजनेसमैन ने अपने मैनेजर को भेजा था ताकि हमारे हॉस्पिटल में बेड मिल सके, लेकिन हमारा हॉस्पिटल फुल है और जो भी बेड्स अवेलेबल हैं वो सारे गरीब पेशेंट्स के लिए हैं। भाई, मैं आपकी और रोहित की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छा किया निशी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। भाभी, आप सब मेरे हो, थैंक यू बोल करना, मुझे पराया मत कीजिए। आज पता नहीं क्या हुआ, बेबी सिप्पी बहुत किक कर रहा है। सीरियसली, वो ओह गॉड, गार्लिक की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल, उल्टी आ रही है मुझे। ओके ओके, रिलैक्स। विमी, प्लीज ये सूप ले जा। जी। वैसे तान्या, मेरा बेबी बिल्कुल मेरे पे गया, बहुत फंसी है ना? राइट। वैसे आकाश और दीपा की शादी में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। आई होप सबके आउटफिट्स और ज्वेलरी एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ऑलमोस्ट। प्लीज पूजा पे डिपेंडेंट मत रहना, वो अपने स्टोर की ओपनिंग को लेके बहुत बिजी है, मुझसे भी मिलने का वक्त नहीं है उसके पास। एंड डांस प्रैक्टिस आई होप सब कर रहे हैं। यस। मुझे भी डांस करना था। रोहित से बात करो, रोहन शादी में आएगा ना? मामा, पहले ये तो पता करो रोहित है कहाँ, घर में तो दिखाई नहीं देता। रोहित भी आए थे घर। कब आया था, कहाँ है वो? मैंने देखा था उन्हें, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है। मेरा रोहित कितना बदल गया है, उसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अगर नरेन भाई की बात मान ली होती तो सोनाक्षी इस घर में आती ही नहीं, उसको इस घर की बहू बनाना बहुत महंगा पड़ा। वो तो यहाँ से चली गई, लेकिन रोहित को बर्बाद कर गई। Congratulations sir, surgery successful रहा। Always a teamwork तुलसी, thank you। सिप्पी हॉस्पिटल में अपनी जॉब से टाइम निकाल के तुम इस छोटे से हॉस्पिटल में आई मेरी मदद करने। सर आप तो सिप्पी हॉस्पिटल आते ही नहीं है, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। आपको जब भी जरूरत होगा मैं आ जाऊंगी।
लाल तुम जाओ, सिप्पी हॉस्पिटल को तुम्हारी जरूरत है। जी सर, वो पेशेंट के पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। ओके। आपका साहिल बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी, कुछ ही दिनों में खेलने कूदने लगेगा, तो शुक्रिया कीजिए अपने भगवान का। शुक्रिया के हकदार तो आप हैं डॉक्टर रोहित, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। नहीं नहीं अंकल, मैं कोई भगवान वगवान नहीं हूँ, मैं एक बहुत ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ। इनफैक्ट बहुत ही वीक और कमजोर इंसान हूँ जो अपने प्यार का भी साथ नहीं दे पाया। जस्ट गेट अप। बेटा मैं हर मंदिर के चौकट पे जाके तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, जो तुमने खोया है ना वो तुम्हें वापस जरूर मिलेगा, और जिसने कमजोर बनाया है ना वो आपको ताकतवर भी बनाएगा। उसके जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं ना उनकी वो बहुत परीक्षा लेता है लेकिन कभी उनको निराश नहीं करता। शायद सही है आंटी, ऊपर वाला शायद मुझे निराश ना करे लेकिन मैंने किसी को बहुत निराश किया है, दुख दिया है, एक ऐसा घाव दिया है जो जिंदगी भर ना भरे। anyway, सोनाक्षी ने आप लोगों से वादा किया था ना कि मैं आपके बेटे की सर्जरी करूंगा, तो आज सोनाक्षी का वादा पूरा हुआ, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आप जब भी मंदिर जाएं सोनाक्षी की सलामती के लिए प्रे कीजिएगा। जरूर बेटा, हम दुआ करें। मैं समझूंगा वो दुआ मुझे मिल गई। Ah uh-huh.